राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बेबी की हेड बता रही हूँ। इसमें मैंने 60 फंदे डाले हैं और ये बहुत न्यू बॉर्न बेबी की ये हेड है और बहुत ही सुंदर लगती है बच्चों को लगाने के लिए, बहुत अच्छी लगती है देखने में भी। तो इसके लिए मैंने 60 फंदे डाले हैं और ये 60 फंदों में मैं ये सीधा उल्टा बनाऊँगी, उल्टा उल्टा बनाऊँगी। ये मैंने एक सिलाई उल्टी बना रखी और ये सीधी तरफ से हैं, तो इधर से भी इस तरीके से हमें उल्टी सिलाई बनाना है, ऐसे ऐसे। तो हमें इस तरीके से जो उल्टी सिलाई पूरी बनाना है, तो इधर से भी हम उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे। तो हम इसकी ये दो लाइनें बन जाएंगी, एक तो ये बन रही है और दूसरी एक और बन जाएगी लाइन। तो बस हमें इतनी ही दो लाइनें चाहिए, छोटे बच्चों के हेड में ज़्यादा नहीं चाहिए। और आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं, अगर इसे थोड़ा चौड़ा रखें तो चौड़ा रख सकते हैं। हम तो सिर्फ दो ही लाइनें बनाएंगे इसमें और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें फंदे कैसे बढ़ते हैं और कैसे हेड बनती है। तो हम इसकी ये दो सिलाई बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये कैसा बनता है। हमारी ये दो लाइनें बनके तैयार हो गई हैं, ये फंदे वाली है, इसको नहीं गिनना है, एक और दो, ये हमारी दो लाइनें बन गई हैं। और अब हम उल्टी साइड में हैं, सीधी सिलाई में हमारी ये दो लाइनें बन गई हैं और उल्टी साइड में, तो उल्टी साइड में हम इनको ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और इस फंदे से एक फंदा ऐसे बनाएंगे और इसी में एक फंदा और बनाएंगे। तो हमारे ये दो फंदे बन गए। फिर अगले फंदे में एक फंदा ऐसे बनाएंगे और एक फंदा इसी में से और बनाएंगे, ऐसे दो फंदे बन गए। फिर तो हम हर फंदे में से एक एक फंदा, एक फंदे से दो दो फंदे बनाएंगे, पूरी लाइन के फंदे। ये हमारे 60 फंदे हैं, एक साइड का छोड़ के बाकी सारे फंदों में हम एक से दो बनाएंगे, एक के दो, एक के दो। इस तरीके से हम पूरी लाइनें बनाएंगे। पहले इसको लिया, इसी में से एक फंदा पीछे से ऐसे डाल के इसको निकाल लिया। तो हमारी ये पूरी लाइन इसी तरीके से हम बनाएंगे और इसकी हम सारे फंदे बढ़ाएंगे ऐसे। तो आप इसी तरीके से एक में दो फंदे बना के पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसमें सीधा बनाएंगे। तो हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमारी ये लाइन पूरी बन गई है जिसमें हमें एक के फंदे दो बनाने हैं। तो ये इस फंदे को भी हम ऐसे एक फंदे के दो बनाएंगे और ये लास्ट का फंदा बचा, इसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब सीधी सिलाई है हमारी और सीधी सिलाई में हम पूरा सीधा बनाएंगे ऐसे, इन सारे फंदों को, सारे फंदों को हम सीधा बनाएंगे ऐसे। तो हम इसकी चार सिलाई बनाएंगे, सीधा, इधर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो इस तरीके से हम इसकी सीधी उल्टी और सीधी उल्टी, क्योंकि यहाँ हमने उल्टा बनाया है तो अब हमें इसमें ऐसे उल्टा नहीं बनाना है, सीधा सीधा बुनना है, सीधा और उल्टा। तो हमसे सारे फंदे सीधा उल्टा करके बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे चार सिलाई बुन लेते हैं। तो हमारी ये चार सिलाई बन के तैयार हो गई, हमने चार सिलाई बना ली है। और चार सिलाई बनाने के बाद में अब हम इसमें ये दूसरा कलर ऐड करेंगे, या तो उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई पे हम ये दूसरा कलर लगाएंगे और इसकी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये नॉट लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी है और हमने दूसरा कलर लगाया और यहाँ से हम पूरा उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से तो हम इस सिलाई को भी बना लेते हैं पूरी। तो हमारी ये पूरी सिलाई हमने बुन ली, उल्टी सिलाई। अब हम
सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे और ये दो फंदों का एक करेंगे हम ऐसे, फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक। तो हम इस तरीके से दो का एक करते हुए पूरी लाइन के फंदों फंदे हैं उनको सबको दो का एक करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम पूरी लाइन बना के तैयार करेंगे। तो हम पूरी लाइन बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या करना है। इस तरीके से बनाएंगे पूरी लाइन। तो हमारी ये सिलाई बन गई है, हमने पूरी सिलाई के फंदे दो के एक, दो के एक, दो के एक कर दिए हैं पूरी लाइन इस तरीके से। अब हम इस ऊन को यहीं छोड़ देते हैं और अब हम जो अपना कलर है उसी को लगाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे हम, इसको बुन लिया, और इस फंदे में फिर दो बनाएंगे फंदे, एक के दो, जैसे हमने नीचे बनाए थे एक के दो, इसी तरीके से हम फिर एक के दो, एक के ऐसे दो फंदे बनाएंगे पूरी लाइन में। जितने भी फंदे हमने अभी घटाए थे, अब उन सारे फंदों में एक एक इधर का छोड़ के बाकी सारे फंदों में हम एक के दो, एक के दो, एक के दो पूरी लाइन में बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से तो हम फिर ऐसे ही बनाएंगे एक फंदे के दो, और उसके बाद हम फिर ये चार सिलाई बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ चार सिलाई बनाई थी, इसी तरीके से हम इसमें भी चार सिलाई बनाएंगे। तो हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम इसमें चार सिलाई बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इनमें सारे फंदों में हमें ऐसे ही एक का दो बनाना है, और इसकी भी हमें चार सिलाई पूरी करना है। तो हमारी ये चार सिलाई बनके तैयार हो गई है, ये इस तरीके से देखेगा। तो पहले हमारी ये चार सिलाई थी, उसके बाद हमने फंदे घटाए थे, फिर इस बढ़ाए थे, अब इसमें फिर हमने चार सिलाई बना ली हैं। तो हमारी चार सिलाई के बाद में अब हम इन सारे फंदों को फिर से घटाएंगे। अब तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और ये दो का एक करेंगे ऐसे, इस तरीके से दो का एक पूरी लाइन के फंदे, दो के एक, दो के एक, ये सारे फंदे घटाएंगे। तो हमारे इस तरीके से फंदे घट के आएंगे और हम पूरी लाइन के फंदे घटा लेते हैं। पहले ये पूरे फंदे हमने घटा दिए हैं, पूरी लाइन के फंदे दो का एक कर दिया। अब हमारी ये सीधी सिलाई है और ये सिलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे ऐसे, ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, उसके बाद हम ये सिलाई बनाने के बाद में हमें सफ़ेद कलर से जो धागा है इसको हम छह सिलाई सीधा उल्टा बनाएंगे। तो हम ये सिलाई पूरी बना लेते हैं, सीधी सिलाई पूरी बन गई है इस तरीके से बनी है। अब हम उल्टी तरफ से हैं और हम पूरी सिलाई सफ़ेद कलर से बनाएंगे, इसकी छह सिलाई बनाएंगे, इस सफ़ेद कलर से छह सिलाई बनाएंगे पूरा सीधा और उल्टा, सीधा उल्टा। तो
इस तरीके से हम 6 सलाई इसकी बनाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हमारी ये 6 सलाई बनके तैयार हो गई। हमने 6 सलाई बना ली हैं। अब हमने यहाँ से ऊन कट कर ली, क्योंकि जो उल्टी साइड में थी और हमें ऊन लगाना है सीधी तरफ से, तो अब हम इधर से ऊन लगाएंगे। और ऊन में ऐसे एक नॉट लगा लेंगे ऐसे, तो हमें पहले ये 4 फंदे बुनेंगे। एक फंदा एक्स्ट्रा है, 4 फंदे बुनेंगे। उसके बाद हम ये फंदा खोलेंगे ऐसे, 1, 2, 3 और 4। और फिर 4 सलाई के फंदे खोलने के बाद इस फंदे को लेंगे और इसके नीचे डाल के ऐसे ऐसे फंदा बनाएंगे। फिर 3 फंदे, फिर चौथा फंदा खोलेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4। 4 लाइनों के फंदे खोल लिए और ये फंदा इसको ऐसे डाल के इसको बुन लेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे और इस चौथे फंदे को खोलेंगे ऐसे और इसमें फंदा हमें डाल के और पीछे से ऐसे फंदा बुन लेंगे। तो हमारा इस तरीके से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम पूरी सिलाई में इसी तरीके से ये बनाते हुए जाएंगे, 1, 2, 3। और फिर चौथा फंदा खोलेंगे ऐसे और फिर इसमें सिलाई डाल के ऐसे बुन लेंगे। तो हम पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसे बना लेते हैं। तो हमारी इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको जो पीछे की सिलाई है, हम पूरी इसकी फिर 6 सिलाई बनाएंगे सीधा उल्टा, जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया था इसी तरीके से हम फिर 6 सिलाई इसकी बनाएंगे। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन डालेंगे, क्योंकि हमने इसका स्वेटर पहले से ही डाल रखा है। बेबी का स्वेटर है और वो गले से बनाया हुआ, उसी का हम इसका कैप बना रहे हैं। तो वही डिज़ाइन हम इसमें डाल रहे हैं, उसी में रिपीट कर रहे हैं। तो वो अगर आपको पसंद आया हो तो आप उस गले वाले स्वेटर को आप उसे बनाएं, उसके बाद इसका ये ऐसा हेड बनाएं। तो हम इसकी 6 सिलाई बुन लेते हैं, उसके बाद हम इसी तरीके को डिज़ाइन को अपनी लंबाई के हिसाब से हमें कितना रखना है उतना हमें बनाना है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बनता है। तो हमारी इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के आई है और इसमें हमने 6 सिलाई बना ली है। अब हम इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो अब हम पहले ये वाइट कलर लगाएंगे, तो ये बीच वाला फंदा है 3 के बीच वाला, तो इसको खोलेंगे हम पहले। पहले हमें इस साइड में खोला था, अब हम इसके बीच में खोलेंगे, तो हमारी ये डिज़ाइन यहाँ से कट जाएगा। तो 4 लाइनें हमने खोल ली हैं और इस फंदे में ऐसे डाल के और ये फंदा बनाएंगे। फिर 3 फंदे ये सीधे, उसके बाद ये बीच का ये फंदा है इसको हम खोलेंगे ऐसे, ये 4 सिलाई, फिर इसमें फंदा लेके ऐसे बनाएंगे। फिर ये 3 फंदे और इसके बाद हम फिर बीच वाला फंदा खोलेंगे इसको और ऐसे बनाएंगे। तो हमारी ये डिज़ाइन यहाँ से कट जाएगा। पहले यहाँ थी ये डिब्बी बनी हुई थी, अब इसके ऊपर आ गई है। तो इसी तरीके से हम इसमें 4 उंगल बनाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये इस तरीके से हमने ये 4 पफ जैसे बना लिए, 1, 2, 3, 4 4 बना लिए। अब हमें इसके बाद ये 2 सिलाई हमने बुन ली है वाइट कलर की। अब यहाँ हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। यहाँ पे 2 गांठ हैं, जैसे हमने यहाँ बनाई थी किनारे से, तो 1, 2 इसी तरीके से हम इसमें बनाएंगे 2 गांठ ऐसे। तो अपनी तरफ को ऊन करके ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे।
और उसके बाद जब उल्टी सिलाई होगी उसमें उल्टी, फिर सीधी सिलाई में इसी तरीके से गांठ वाली दो लाइनें बनाएंगे। तो हम इन दो लाइनों को पहले बना लेते हैं। ये दो सिलाई बन गई हैं और हमने ये दो गांठें इस तरीके से बना ली हैं दो लाइनों में। तो अब हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये दस फंदे हम चार जगह बांटेंगे इसे। तो दस ये है, एक दो तीन चार पाँच, दस इधर होगा, एक दो तीन चार पाँच छ पाँच, दस दस और होगा, एक दो तीन चार पाँच। तो हमारे ये दस दस फंदे के चार हिस्से होंगे और तीन फंदों की फली बनेगी। तो ये दस दस फंदे हो गए। तो हम इस तरीके से पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और इस फंदे को ऐसे लेंगे और जैसे गले में फंदा घटाते हैं इसी तरीके से हम इसको तीन का एक कर देंगे ऐसे। फिर दस फंदे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये दस फंदे हैं। फिर हम इस बीच वाले फंदे को ऐसे निकालेंगे और इसको इस तरीके से लेके ये फंदा इस सिलाई पे लेंगे, जैसे गला घटाते हैं इस तरीके से तीनों फंदों को एक कर देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो फिर हम ये फंदा ऐसे निकालेंगे इसको और इस फंदे को ऐसे लेके और तीन का एक कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और यहाँ पे लास्ट में तीन फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से घटा देंगे। तो हमारे इस तरीके से फंदे घट गए हैं। अब हम उल्टी तरफ से फंदे घटाएंगे ऐसे, दो का एक कर देंगे यहाँ पर ऐसे, और फिर ये फंदे उल्टे बनाएंगे। और इस फंदे को ऐसे, जो बीच वाला फंदा है इसको ऐसे निकालेंगे और इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे और इस फंदे को इस पे रख के तीन का एक कर देंगे। तो हमें उल्टी सिलाई में भी घटाना है और सीधी सिलाई में भी घटाने हैं। तो इसी तरीके से हम ऐसे बीच में फंदा लेंगे ऐसे और ऐसे लेके और तीन का एक कर देंगे। फिर ये बीच का फंदा है और इसको ऐसे लेके इस सिलाई पे लेके और इसको हम तीन का एक कर देंगे। और लास्ट में ये दो का एक। फिर सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई पर फिर यहाँ दो का एक और ये बीच का फंदा है, इसको हम ऐसे लेंगे इस सिलाई पे और ऐसे लेके इसको
घटा देंगे। तो हमें हर लाइन पे सीधी और उल्टी दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से घटाना है। तो हम इन सबको घटा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये इस तरीके से हमने इसे उतार लिया है, एक दो तीन और चौथी जगह हमारी ये सिलाई लग जाएगी ये इस तरीके से। तो हमने इसे कैसे, सबसे पहले एक किनारे से एक फंदा घटाया था, यहाँ पे एक फंदा इधर घटाया था, तीन फंदे की ये हमने जैसे गले में फंदा घटाते हैं इस तरीके से फली बन गई, और एक लास्ट में सीधी और उल्टी दोनों तरफ से हमने इस फंदे को घटाया और पूरा हमने इसको उतार दिया है। तो अब हम इसको सिल लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद में हम इसको ऐसे सिलेंगे। तो अभी हम इसको कच्चा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से। ये लाइन से लाइन मिला के सिल लेंगे इसे। और इसको भी ऐसे मिला के यहाँ पे ऐसे सिलेंगे। पूरा सिलने के बाद में अब हम इस फंदे को ऐसे सिलेंगे यहाँ से, ये तीन फंदों की, इसको हटा के इसको पूरा सिलने के बाद में हम इस सिलाई को ऐसे लेंगे और यहाँ से सिलेंगे ऐसे। इसी कलर की ऊन से सिलेंगे, हम तो अभी इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो इसलिए ऐसे करके इसको सिलेंगे इस किनारी को छोड़ कर। इसको आप अच्छी तरीके से सिल लें, इसी कलर की ऊन से सिलें जिससे दिखाई ना दे। और इसमें बांधने के लिए बाद में इसी से यहाँ से कोई भी चैन या डोरी जो भी आप समझें उसे आप लगा लें। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया और हमने इस तरीके से सिल लिया। अब हम इसको सीधा करते हैं तो हमारा इस तरीके से ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी का है ये, और 3 महीने तक बहुत आराम से आएगा, 3 से 4 महीने तक आ जाएगा ये। तो आपका, आपको हमारा ये कैसा लगा हैट, और वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।